वेलकम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। एक थी इनलाइन, एक थी ब्लॉक और तीसरी है इनलाइन ब्लॉक। तो डिफरेंस क्या है इनलाइन और ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक में, ठीक है, तो यही समझेंगे हम। मैं क्या करता हूँ, एक अनऑर्डर लिस्ट लेता हूँ, ठीक, मैंने एक लिस्ट बनाई और इसको डिजाइन दिया, इसको डिजाइन करता हूँ LI डिस्प्ले इनलाइन, इसे बैकग्राउंड कलर भी लगा देता हूँ। ठीक, अब मैं चाहूँ कि ये थोड़े बड़े हो जाए, इनकी हाइट बड़ी हो जाए, विड्थ बड़ी हो जाए, विड्थ बढ़ा सकूँ, हाइट बढ़ा सकूँ, तो ट्राई करता हूँ हाइट 40 पिक्सल, विड्थ 100 पिक्सल। देखो पहले तो यहीं पे वार्निंग कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा मान लो, ठीक है, मैं सेव कर देता हूँ इसको, यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पर ये हाइट विड्थ नहीं ले रहा, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट में क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट में अगर आप डिस्प्ले इनलाइन कर दोगे किसी ब्लॉक एलिमेंट को, तो वो हाइट विड्थ नहीं लेगा, वो हाइट विड्थ ब्लॉक एलिमेंट में लेगा, इनलाइन एलिमेंट में हाइट विड्थ नहीं लेगा डिस्प्ले इनलाइन। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ब्लॉक करता हूँ, ठीक है, ब्लॉक कर दिया मैंने इसको, लेकिन अब ये इनलाइन नहीं, मुझे इनलाइन चाहिए था, ठीक है, मुझे इनलाइन में चाहिए हाइट विड्थ भी सेट करनी है। कई एलिमेंट मैंने लगातार हैं, इनको एक लाइन में भी चाहिए और उनके हाइट विड्थ भी सेट कर सकूं, तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक। अब देखो ये हाइट विड्थ भी लेगा और इनलाइन भी रखेगा, फायदा क्या है, फ़ायदा ये इनलाइन ही इसलिए क्योंकि एक लाइन में बहुत सारे एलिमेंट आने देगा ये, और दूसरा फायदा क्या है, हाइट विड्थ भी ये साथ में लेगा, जबकि इनलाइन एलिमेंट हाइट विड्थ नहीं लेता है, लेकिन इनलाइन ब्लॉक करने पे हाइट विड्थ भी लेगा, ठीक है। तो सेव करते देखते हैं, ठीक, तो ये है इनलाइन ब्लॉक, ठीक है, इतना ही है इनलाइन ब्लॉक और कुछ खास नहीं है। ये डिस्प्ले की तीसरी प्रॉपर्टी थी। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल।